तो गाइज अभी हम आए हैं हॉस्पिटल, अचानक ही सना की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ सना तुझे? कहीं भी जाती हुआ स्टार्ट हो जाती है, तेरा मन नहीं भरता क्या? हा? बिना खाए मन नहीं लगता है। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारी कितनी बड़ी कुर्बानी दे के आई है, बताओ ना क्या दे सकती है? हाँ फिर मतलब कि जैसे कि सैक्रिफाइस हॉस्पिटल, अचानक ही सना की तबीयत खराब हुई। क्या हुआ सना तुझे? तो गाइस अभी हम आए थे पराठे खाने के लिए, आपने मेरे पीछे ब्लॉग में देखा होगा। थोड़ा सा तो गाइस अभी हम आए हैं हॉस्पिटल, अभी हम लोग गए थे पराठे खाने, सना को लूज मौसम आ गया। तो अचानक सना की तबीयत खराब हो गई पराठे की वजह से। तो गाइस ये देखो यहाँ पर आ रही चिप्स, मैंने सोचा चलो इसी बहाने आप लोगों को थोड़ा हंसा देती हूँ। तो अभी ये सफदरजंग के पास अभी हम आए हैं, वहाँ से हम आईटीएस से हम सीधा यहाँ आए सफदरजंग, यहाँ पे काफ़ी फेमस एक पराठे वाला है तो उस पर आए थे। और इधर सना चिप्स खाने लगी, मैंने इसलिए सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। ये देखो कहीं भी जाती वो स्टार्ट हो जाती है, तेरा मन नहीं भरता क्या? है? बिना खाए मन नहीं लगता है, मन लगता है मैं अब ये खाते पीते रहना चाहिए ना इंसान को। सही बात है, इंसान कब मर जाए कुछ पता ही नहीं। कुछ पता नहीं। तो अभी हम ये सब तंजर के पास ही में खा ले साथ में ये क्या नाम है राजश्री विमला दिलबाग शिखर ये सब खाना तो खा सकती है, सीधा यही बेहोश हो जाएगी। मगर तो वही किसी ने बोला था ना कौन सा महंगा होता है, रजनीगंधा। रजनीगंधा ये रहा बढ़ गया, पहले महंगा 100 रुपए का था ना पहले, है ना 100 रुपए का था ना पहले, सही बोल रहे हो। ये खाती है भैया तब इसको पता रेट का 100 रुपए नहीं ना तेरा पति का था पता। सुना मेरा पति देख सुन लिया वीडियो में तो हिंद हो देगा आकर, मैं उड़ाऊंगी नहीं क्लिप देखने दे उसको। कसम से रवीना का हस्बैंड रजनी का खाना खाता था 100 रुपए का एक एक पैकेट पूरे दिन में 4-5 पैकेट। तुलसी बाद में आई है, तुलसी भी है गाइस, तुलसी का पेड़ भी होता है और तुलसी भी है। तुलसी के ऊपर देखो क्या बना हुआ है। हाँ तुझे कौन सा खाना है? मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं नमकीन खाती हूँ नमकीन। अच्छा बहुत शरीफ लड़की है गाइस। चलो अभी हम वहाँ चलते हैं, मैं पराठे दिखाती हूँ। अगर मुझे मिल जाए तो हाँ ये सारा मैं खा लूँगा अगर मुझे मिल जाए तो। भैया से पूछ ले फ्री में देगा तुझे? खा लियो
तभी हम हॉस्पिटल के पास थे गाइस। एक बार बानो यहाँ पर बीमार पड़ी थी जब वो वन ईयर की थी, तो उसको यहाँ एडमिट किया गया था एक महीने तक, 15-20 दिन तक कम से कम हॉस्पिटल से। ठंड का समय था और बहुत ज़्यादा तबियत था, फीवर दिमाग पर चढ़ गया था उसके। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे ना वानों की मतलब चीज़ें याद आने लगती, बट अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से वानों को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई ना ज़िंदगी में कभी वो दिन देखना पड़े जो मैंने एक साल पहले मतलब कि जब वो वन ईयर की तब देखा था मैंने। बाकी यहाँ का लोकेशन देखो कैसा हो रहा है, वहाँ पर पराठे वाला बहुत ही फेमस, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, ये रात भर, आंटी ये रात भर चालू रहता है सुबह तक? सुबह तक 7 बजे चालू होता है। सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे तक। अच्छा सुबह 7 बजे तक। पैक करना है कौन है? पैक करना। कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पर। भैया आपने पराठा खाया वो कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है पराठा, आप रोज खाते हो यहाँ पर? अच्छा वही नहीं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रात के 2 बजे जमा मस्जिद। 2 बज रहे हैं सुबह, थोड़ा आगे देख लो यहाँ पर रोड पे चुके हैं जमा मस्जिद, रात के 2:30 बज रहे हैं और रोड पे अभी उस साइड तो गई बहुत ज्यादा भीड़ है। वैसे सना हम कहाँ आ चुके हैं पहले बता, जामा मस्जिद। कितना बजा टाइम? 2:30 बजे रात। ये जैसा ना सुमेश और भैया हैं, नाम रजत दिया था ना, क्या नाम है, तो इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही मैं। इनका भी यूट्यूब चैनल है और फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं भैया। और गाइस देखो कितना प्यारा लग रहा है ये देखो, बट मैं आगे से जाके दिखाऊंगी पहले आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिर दिखाते हैं कि जामा मस्जिद में कितना सुंदर सजाया गया है। गाइस रात की 3 बजे तो कितना अच्छी रौनक हो रही है, क्या सजावट की। मम्मी नमाज पढ़ रही है देख सकते हैं, और आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, मेरी प्यारी सी गुड़िया, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो ट्विनिंग मम्मी लेके आई थी कल इनके लिए। हेलो अलीशा, सलाम कर दो अलीशा, सलाम कर दो। अरे वाह, दुआ कर दो। हाँ गुड, देखो दुआ भी करती है मेरी अलीशा। अलीशा किसी का दो, किसी प्लैंक किस कर दो, प्लैंक किस कर दो। पापा को आइए, दादू को आइए करने के लिए। अरे 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 ये देखो ये मम्मी का लेकर आई थी इनके लिए, देख सकते हैं गाइस बहुत ही क्यूट लग रही है मेरी अलीशा। एली अरे 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 पकड़ तो मेरे मेरे मनस की, अरे बेटा कितना प्यारा लग रहा है। अलीशा हाय बोल दो हाय। बाय बाय। ये देखो गाइस रवीना, ये देख सकते खाना खिला रही है ये देखो, ये इसने मेरा चश्मा ले रखा है, ठीक है? और अभी रुक जाओ मैं अपना दिखाती हूँ लुक। मम्मी नमाज पढ़ रही है और ये रही मैं, तो मैं अभी आई थी और ये मैं सोच रहा मैं नमाज नहीं पढ़ती, मैंने अपना नमाज में सब पढ़ा, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं 15 दिन में मेरा जो कुरान शरीफ है वो मुकम्मल हो जाएगा और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और अल्लाह करे सबकी जल्दी जल्दी कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाए ताकि वो दूसरा पारा भी उठा ले। और मम्मी इधर नमाज पढ़ रही देख सकते हैं, और ये रही पगलेट, ये भी नमाज पढ़ती है, कुरान शरीफ भी पढ़ती है। और ये मेरा गुग्गू, ये मेरा गुग्गू है, गुग्गू अभी गुग्गू देखो कहाँ जा रहा है, दादी के पास जा रहा है, नहीं जाते गंदी बात।
अल्लाह अल्लाह पढ़ रहे हैं। चलो गाइज फिर मिलते हैं, बाय। तो गाइज अभी मैं राम को खाना खिला रही हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी है अभी। मैं हेलो देखिए ये मेरे साथ है, ये देखिए। हेलो गाइज, यहाँ पर कैमरा कहीं साफ नहीं आ रहा था, कैसा हो रहा है। तो ये सारे बच्चे अभी खेल रहे हैं और मैं अभी आराम को खाना खिला रही हूँ। तो ये मेरी प्लेट दे सकते हैं, आराम को मैं दाल रोटी खिला दी। और अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैंने भी नमाज़ नहीं पढ़ी क्योंकि मैं कहीं गई थी, इसके कारण मेरी नमाज़ रह गई। तो अभी मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी, नहाने जा रही हूँ ना, मेरे नहा के तब पढ़ूँगी, बहुत देर हो गया। तो नाश्ते पढ़ रही होगा, तो गए अभी जा रही नहाने के लिए, नहा के फिर मेरे को नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। ये सेक्टर 11 में द्वारका में। हेलो गोल्डी।